हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ एक अच्छा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो घर पे ही आप इजीली बना सकते हो और घर पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो आप इसे एक अच्छा फेस पैक रेडी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक बोल चाहिए और एक फेस पे पैक लगाने के लिए अच्छा ब्रश चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बेसन लिया। अकॉर्डिंग टू योर फेस आप बेसन ले लो, 2 स्पून 1 स्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर डाला था। उसके बाद जो हाफ लेमन मैंने देखा है वो उसका पूरा जूस जो है वो हाफ लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लेमन डाला है तो उसमें एसिड होता है, उससे फेस कई होकर ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल भी लिया प्लस हनी भी लिया ताकि आपका फेस तो क्लीन होंगे ही बट ड्राई ना हो। समटाइम्स ऐसा होते हैं कि जो फेस पैक आप देखते हो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं ये यूज़ करूँगी, क्लीन हो जाएंगे फेस, बट समटाइम इट्स हैपन कि किसी किसी के फेस ड्राई रहते हैं और जब ये ऐसा लेमन से कुछ जुड़ा पैक लगाते हैं तो फेस और भी ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बेस्ट है कि अगर आप लेमन डालते हैं तो उस चीज़ में थोड़ा एलोवेरा जेल मिला दो ताकि वो चीज़ को वो बैलेंस करते हैं जो एसिड रहते हैं, तो उससे आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छा ठीक एक पेस्ट बना मेरा और मैंने ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से पैक लगा लिया मैंने। और इस पैक को आपको थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेना है ताकि इफ़ेक्ट ऐसा ना डिफरेंट ना दिखे कि फेस पे अलग है और नेक पे अलग है। तो ब्रश के हेल्प से मैंने अच्छे से यहाँ पे फेस पैक लगा लिया। ये एक्चुअली अगर आपको डल ड्राई और थोड़ा सा होते ना कभी कि डेली वर्क का जो काम होते हैं तो उसमें थोड़ा स्किन का केयर नहीं हो पाता है तो थोड़ा डल दिखते हैं, थोड़ा डार्क दिखते हैं, तो आप ये पैक लगा सकते हो। इंस्टेंटली आपका फेस पूरे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जो लेमन का मैंने जूस निकाला था वो लेमन को मैंने रख दिया था कि मैं इसे बाद में रब करके इसे क्लीन करूँगी। तो धोने से पहले आफ्टर 20 to 25 मिनट्स आप इस तरह से अच्छे से वो लेमन का जो टुकड़े थे बचे हुए आप उससे ही इसको अच्छे से रब कर लो। रब करने से क्या होता है, वॉश करने में इजी होता है फेस, और इससे क्या होता है बचे हुए सामान भी फेंकते नहीं हो, वेस्ट नहीं करते हो, तो कोई ना कोई काम पे लगा ही लेते हैं। ये हमारा आदत है, हम इंडियंस कुछ फेंकते नहीं हैं तो यूज़ करना हमारा आदत है ऐसे। तो आफ्टर वॉश ये मेरा लुक है और बिल्कुल ही क्लियर हो गया था स्किन। इस पर बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, ये ओरिजिनल है जो मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो उसके बाद आपके पास कोई भी फेस सीरम हो, मॉइस्चराइज़र वगैरह सीरम हो तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे आपका फेस को हाइड्रेट करेंगे, ड्राई बिल्कुल नहीं होंगे। और बेसिकली अगर नाइट हो तो आप प्लीज़ सीरम ही यूज़ करना। तो मैंने सीरम लगा लिया। यहाँ पे अच्छे से आपको सीरम लगाने हैं, ऐसे नहीं कि बस हल्का हल्का लगा, क्योंकि सीरम एक ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे से लगाओगे तो ही वो स्किन को एब्जॉर्ब करता है और अपना इफ़ेक्ट बाहर निकलता है। सो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड